इतनी गर्मी के बाद अगर थोड़ा सा भी मौसम सही रहता है, हल्का सा भी बारिश हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आज भी मौसम बहुत ही अच्छा है। वैसे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और अभी का सीन ऐसा है कि मैं हूँ बलिया में और सुबह सुबह मौसम का आनंद लिया जा रहा है। बहुत ही अच्छा मौसम है। सरांश देखो सोया हुआ है तभी भी जहाँ से रहा है। उठो ए सरांश, उठो। नहीं उठोगे? अरे 8:30 हो गया भाई। ए सरांश, अरे अरे जग गए, उठो। ओ लो लो फिर सो गए। अरे इधर देखो, मोबाइल में कैमरा चल रहा है ना सरांश। इधर देखो, उठो। नहीं उठना है, चलो सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। और सोओगे? अरे सोओगे भी नहीं। लियो लियो कह रहा है कि दूध नहीं आएगा। अब बताओ क्या पियोगे बाबू? सुधा का दूध पियोगे? नहीं। और अभी चला जाए थोड़ा सा कुछ मार्केट में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं जो रेलवे स्टेशन है जस्ट उसी के सामने जो है यहाँ पे चेकिंग चल रही है, जिसमें मास्क की चेकिंग और प्लस गाड़ी की चेकिंग दोनों की जा रही है। तो सबसे पहले प्राथमिकता मास्क की चेकिंग की दी जाएगी, कि जिसमें मास्क चेकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो है सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के जो माहौल बन रहा है, उस माहौल में ये चेकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बूढ़े दादाजी को कैसे समझाया जा रहा है कि मास्क आप लगा के चलिए और बचिए कोरोना से। तो ये हमारे बलिया पुलिस प्रशासन है जो कि इस पर बहुत ज़्यादा सावधानी रखने के लिए कह रही है लोगों से। देखिए उनको जो है बिना मास्क के कैसे आराम से धड़ल्ले से घूम रहे हैं और देखते ही मास्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, पहले तो ये मास्क नहीं लगाए थे, उसके बाद से जब ये आए तो ये गाड़ी का नंबर इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि गाड़ी का नंबर क्या है। गाड़ी का नंबर क्या है? 37 साल छोड़ी है। नहीं गाड़ी का नंबर बताइए तो कम से कम। नहीं पता है गाड़ी किसकी है? लाइसेंस है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। तुम्हारे पास ऐसे ही लेके चल दिए गाड़ी? नहीं पूरा बोल नहीं, इसमें तो दिख रहा है आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं गाड़ी के नंबर पे। नहीं सर देखिए, वो देखिए लिखा तो है इंदु देवी, फिर क्यों ऐसा लिखवाए हैं बताइए। सब गाड़ी बाहर खड़ी थी, लटका दिया सब। अब इनका भी जो है चालान किया जाएगा। गाड़ी का नंबर तो कुछ आ पता नहीं है, लेकिन देखिए कैसा मतलब इनका। और अभी फिलहाल में यहाँ पे मिट्टी बहुत बेकार था तो उसका काम चल रहा है, बराबर किया जा रहा है इसको। वैसे सही हो जाएगा, बहुत बेकार था, पूरा आधा इंच ही है। इधर का रोड बेकार हो गया था, बस उधर ही का रोड सही था। देखिए अगर इससे सही हो जाता है तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो बस यार आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन जो भी आज बलिया में गतिविधियाँ हो रही हैं उसको आपको मैंने दिखाया, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपको कल के ब्लॉग में। फिलहाल के बस इतना ही, गुड बाय।